आज है नेक्स्ट डे, मेरे हाथ में मेहंदी वेहंदी लग गई है, ये है। तो कल तो ऐसे जा पे देख ही लिया वीडियो में कि मेरे मासी वगैरह लोग आ गए थे, तो हमने बहुत सिंपल एंड बेसिक सा सेलिब्रेशन किया। ओके, तो मैं अभी जा रही हूँ अपने कजिन के यहाँ पे जिसके यहाँ शादी है मेरे कजिन की। तो आज ऐसा कुछ फंक्शन, एक्चुअली दो दिन की ही शादी रखी है कम, और बहुत ही अच्छा किया ये चीज, बिकॉज इस बार ऐसा हुआ है, अदरवाइज मैं मेरे घर की शादियों में बहुत ज्यादा ओवर एंथुजियास्टिक रहती हूँ, बट मेरी नहीं बाद में पढ़ती हूँ ना, इस बार पहले पढ़ गई। इस बार मेरे को पहले इतना अनईजी सा लग रहा है, मतलब कल संगीत है और आज भी हमारा सॉन्ग मिक्स हो तो गया है, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं करूँ। मतलब मुझे अंदर से ही, मतलब मैं तो विक्की में बोल रहा फालतू का पुश पुश मत करना बॉडी, वरना क्या होता है यूजुअली मैं अगर ऐसे पुश करके करती हूँ ना तो मेरे को वॉमिट हो जाता है या मतलब चक्कर वक्कर आ जाते हैं। लोग होते हैं एक वो जो एक्चुअली में बहुत मेहनत करते हैं और एक वो जो दिखाते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो शादी में मैं वो दूसरी वाली हूँ, मैं सबके पास जाती हूँ, सबके पास मिलती हूँ, सबसे खूब बातें करती हूँ और सबको लगता है वाह ये लड़की बड़ी काम कर रही है, बहुत काम की लड़की है। उसके बाद आगे बीमार पड़ जाती है और देखते हैं कि डांस करूंगी कि नहीं करूंगी, वो कल डिसाइड करेंगे। विक्की ने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी है हम लोगों ने, मतलब विक्की के साथ भी, तो वही है। और कल सुबह से अब माता पूजन है हमारे यहाँ, मेहंदी वेहंदी लग गई है, ये है माता पूजन, फिर हल्दी मंडप, उसके बाद मामेरा होता है, एंड देन फिर शाम को संगीत एंड एंगेजमेंट है, और उसके नेक्स्ट डे दिन में शादी फेरे हैं, और उसके बाद रात में रिसेप्शन है, ये है। तो बस आई एम प्रेइंग कि मैं एकदम बढ़िया रहूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत हेडेक हो रहा है बिकॉज ऑफ कफ। मेरे को ऐसा लगता है कफ की वजह से होता है ना, यहाँ सर दुखता रहता है, तो वो दुखता है तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, इसलिए मैं भी आंखों से ही दिख रहा है, मैं बहुत डल डल से फील कर रही हूँ। तो अभी मम्मी को लेने जा रहे हैं, मम्मी पहुँच गई सुबह से ही, कुछ भूआ होगा कुछ काम होता है, मेरी मम्मी भूआ है ना, जल्दी निकल गए थे हम लोग, अभी जा रहे हैं क्योंकि पापा के पास भी कोई रहना ज़रूरी है। तो हालांकि अभी हम केयर टेकर को छोड़ गए हैं, ऊपर मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ भी हैं। हाय गाइस, तो बहुत देर बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, शाम को मिल रही हूँ मतलब डायरेक्टली। तो एक्चुअली ऐसा था कि मैं शाम को जाने वाली थी अपने मामा के घर पे, बट मैं नहीं गई बिकॉज मेरे को बहुत दिन भर से हेडेक हो रहा था, तो इन लोगों ने बोला कि अभी आज नहीं जाते हैं बिकॉज कल फिर दिन भर से सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, तो मेजरली कल प्रेजेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं दिन में अच्छा सोई हूँ, दवाई ववाई लेके बहुत स्टीम लेकर के, तो अभी आई फील बेटर, बट आई स्टिल हैव दैट स्लाइट हेडेक जो सर्दी की वजह से होता है। बाकी विक्की और हम लोग, मैं इसलिए हाँ फिता रही हूँ बिकॉज विक्की और हम लोग थोड़ा सा डांस का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारे दो गानों पर डांस कर रहे हैं और मैं सिर्फ एक गाना उसके पहले कर रही हूँ, दैट्स इट। ज़्यादा कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, तो दिखाती हूँ आपको कैसी प्रैक्टिस हो रही है हमारी। हाय गाइस, तो हम लोग निकल गए हैं सुबह सुबह, बहुत जल्दी निकले, 8 बजे निकल गए हैं सुबह, जल्दी उठ के रेडी वेडी हो गए हैं। अब फर्स्ट हमारे यहाँ माता पूजन है, उसके बाद जो सेकंड है वो है गणेश पूजन, एंड ऐसे 2-3 बेसिक फंक्शंस हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे वहाँ से, और फिर संगीत के लिए हम लोग घर से फिर से रेडी होकर के जाएंगे। इस बार मैंने फाइनली जो पोशाक का दुपट्टा है वो ढंग से जमाया है, तो ये जो दुपट्टा है ये मैंने YouTube वीडियो से ट्यूटोरियल देख करके, किसी भाई साहब का देख करके ओढ़ा है, तो अब फाइनली ये सही से उड़ गया है। सो या लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं वापस इधर में, मतलब सब घर चले गए, फिर अब यहाँ से वेन्यू की तरफ जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा ना बैंदा ये सही बोर जो है ये सही नहीं लगाया है,
एक तो मेरे हेयर वॉश भी नहीं है, दो दिन से मैंने बाल वॉश नहीं करे हैं, तो अभी जा करके हेयर वॉश करूंगी मैं अभी। अब नॉर्मल हल्दी है और एक दो फंक्शंस और हैं, तो हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी बिकॉज ब्रेकफास्ट में थोड़ा टाइम है और मैं बहुत सुबह जल्दी उठ गई थी, तो हम लोग, मैं, मेरे कजिन और हम लोग सब कल्टी में कट लिए हैं और कुछ खा करके जाएंगे क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आए हैं संगीत के लिए और दिस इज माय ड्रेस। मेरा जो ये लहंगा है ये मैंने अपने कजिन की शादी में पहना था, सिर्फ दुपट्टा इसमें चेंज किया है। क्या क्या, मैं एक्चुअली कोई है नहीं तो इसलिए आराम से व्लॉग कर पा रहे। ये हमारे सत्यम दादा, पुराने दूल्हा। हाय सत्यम, इसी की शादी का ये लहंगा है पुराना। सूर्य कोटि समुख प्रभो हाय एवरीवन। सो आज है नेक्स्ट डे, कल संगीत में आने के बाद हम लोग ऐसे सोए चेंज वेंज करके क्योंकि बहुत पैर वैर दुख में, हालांकि मैंने फिर भी बहुत डांस नहीं किया था, बहुत कंट्रोल कर लिया था क्योंकि मुझे पता था हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा एक्सर्ट कर लूँगी तो मैं और 10 दिन के लिए बीमार हो जाऊँगी, इसलिए मैंने बहुत आराम से और आराम से डांस किया। इवन जो परफॉर्मेंस वाला डांस है ना वो भी बहुत एनर्जेटिक नहीं है, नॉर्मल है, इन्जॉय करते हुए किया बस थोड़ा बहुत। एंड अभी जा रहे हैं हम लोग एक्चुअली दूल्हे की बर निकासी होने वाली, मेरी मम्मी तो खैर सुबह से चली गई है बट विक्की और हम अभी निकले हैं, मतलब दूल्हा गेट दिल्ली छोड़ करके बारात के लिए जाता है, तो अभी लेकिन हम बारात नहीं निकाल रहे, एक्चुअली मुहूर्त इस टाइप का एक गोधूली बेला है इन लोगों की, जैसे विक्की और हमारी भी वही थी, दिन में होता है मतलब सूरज ढलने के टाइम पे होता है ना, ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट हाँ वैसी है। तो बस इसलिए अभी सुबह थोड़े बहुत फंक्शंस हो जाएंगे, रात में फिर फेरे होंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, हमको भी बहुत कंफ्यूजन है, जाके पता चलेगा। सो या लेट्स गो। ये विक्की है, विक्की का ड्रेस है। ओके तो यहाँ पर जूते छुपाने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है, हम लोगों ने जैसे ही दूल्हे ने जूते उतारे हमने छुपा लिए हैं। अब ये जो छुटकू है, निवी नाम है इसका, ये बस कोशिश करिए कैसे भी करके हमसे जूते छीन के ले जाए। तुम्हें जूते क्यों चुराना है? तुम तो सिस्टर ही नहीं हो। अच्छा बोलो। तो ये सारी खबरें अपनी मासियों को दे रही थी बट एक्चुअली मैं, मासियों ने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, अदरवाइज हम लोग तो जब जूते छुपाते हैं तो मज़े आ जाते हैं, मतलब छीना छानी हो जाती है और तभी मज़ा आता है जूते छुपाई की रस्म में। एंड फिर हम लोगों ने जूते उनको दे दिए थे क्योंकि नेक होता है वो, एंड उसके बाद फेरे होना स्टार्ट हो गए थे और वो जो मांग भरने वाली प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो गई। एंड दिस इज़ द ब्राइड, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये। Yeah.
तो बारात वाले टाइम आई कुड नॉट इवन मैनेज टू टेक अ सिंगल पिक्चर ऑफ माइन या विक्की के साथ या ड्रेस की, एक फ़ोटो नहीं ले पाई मैं. बस हम लोग बारात में पहुँचे, लेट हो गए थे, जैसे ही बारात में पहुँचे वैसे ही डांस करना स्टार्ट कर दिया, फिर दुल्हन आ गई, फिर स्टेज पर बैठ गए, फिर खाना खाया, फिर ये वो, फिर घर जाने की जल्दी. मतलब घर की शादियों में लिटरली ऐसे ही होता है. फिर लास्ट में इन लोगों का कैंडिड वगैरह शूट हो रहा था एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और घर आ गए थे. ओके गाइस, सो आपने देख लिया वेडिंग व्लॉग जो मैंने बनाया. मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया डीटी खत्म होने के बाद भी. आज पांचवा दिन, चौथा दिन है. मेरे कजिन का जब संगीत था उस दिन बहुत ठंड पड़ गई थी, रात में बहुत ठंडी हवा चल रही थी, बादल वादल नीचे आ गए थे और हम लोगों ने जैकेट्स वगैरह नहीं पहना था. तो जब हमने बहुत डांस किया तो हम स्वेट में हो गए और स्वेट में होने के बाद वो ठंडी हवा लगी. नेक्स्ट डे बारात में भी सेम चीज़ हुआ कि बहुत डांस किया, स्वेट में हो गए और फिर अगेन ठंडी हवा लगी. तो उसके बाद मेरी जो सर्दी है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो गई. मेरे को डेली हेडेक हो रहा था. मतलब दो दिन तो मैं सिर्फ सोई हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई एम नॉट टेकिंग एनी एंटीबायोटिक्स या एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले रही हूँ मैं. होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर दिया तो वो असर थोड़ा आराम से करती है. सो दैट इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा कफ. और मैं एलोपैथी इसलिए भी नहीं ले रही हूँ बिकॉज वैसे मुझे कम होती है. मतलब जो कफ एंड कोल्ड होता है नॉर्मल होता है, बट एक खतरनाक वाला बहुत कम होता है. तो जब मुझे 2020 में हुआ था एट द टाइम ऑफ कोविड, तो मैंने एलोपैथी दवाई अच्छी जम के ले ली थी. तो उसके बाद क्या होता है, एलोपैथी आपका ना अंदर सब जमा देता है, मतलब वो रोक देता है आपकी खांसी को. तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे चेस्ट में जैसे कि बहुत हैवीनेस कुछ जम गया है. तो डर की वजह से, बिकॉज कोविड भी उस टाइम था, तो भैया मैंने सारे टेस्ट करवा लिए थे, एक्सरे करा लिया था, लंग्स के एक्सरे हो गया था, मेरा चेस्ट स्कैनिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था. निकला कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि हल्का सा कफ जो है वो जम गया है, कंजेशन हो गया, दैट्स इट. सो वो इसी रीज़न से हुआ था. तो इसलिए मैं अभी बिल्कुल अवॉइड कर रही हूँ. स्टीम ले रही हूँ मैं, गर्म पानी पीती हूँ रात में एंड साथ में होम्योपैथी खा रही हूँ. अदरक सत्व करके एक चीज़ होती है, वो सब ऐसी चीज़ें खा रही हूँ तो उससे मुझे बेटर, एटलीस्ट मुझे वो हैवीनेस नहीं लग रही है. ओके, सो जो जो भी चीज़ें मैंने वेडिंग में यूज़ करी ना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे जब मैं स्टोरीज डाल रही थी तो मैसेजेस आ रहे थे कि आपने ये लिपस्टिक कौन सी लगाई है, आपने ये क्या लगाया, ये क्या लगाया, ऐसे करके. सो फटाक से क्विकली जो जो भी मैंने वेडिंग, क्योंकि मैंने कुछ भी गेट रेडी विथ मी नहीं बनाया है. पहली चीज़, आपको पता ही होगा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आई हैव अ वेरी 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 ड्राई स्किन एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्राइनेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत रेडनेस हो जाती है. तो कोई भी मॉइस्चराइजर वर्क नहीं करता है जब मेरी स्किन भयंकर लेवल पे ड्राई हो जाती है. ओनली दिस मॉइस्चराइजर वर्क्स वेल फॉर माई स्किन. दिस इज सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ड्राई टू नॉर्मल सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी है. आप देख सकते हो पूरी खत्म होगी और ये सिर्फ 15 दिन में खत्म होगी. मैं इस लेवल की लगाती हूँ, इसको 3 बार लगाना पड़ता है मुझे दिन भर में. तो अमेजिंग अमेजिंग है. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. और आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो डेफिनेटली दिस इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग क्रीम. उसके बाद जो सेकेंड मैं छोटा सा लेकर के आई थी, ये सेटाफिल का डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग क्रीम है. ये इज द क्रीम. सो ये वाला जो क्रीम है ना, मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं होता है. मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स इट गिव्स मी ब्रेकआउट बिकॉज दिस गिव्स मी अमेजिंग शाइन ऑन माई फेस. मतलब आपकी स्किन को बहुत ग्लोई एंड ग्लॉसी फिनिश देता है ये. तो दैट्स वाई लेके आई थी मैं कि शादी वादी में थोड़ा अच्छा लगता है, स्किन पर थोड़ी शीन एंड शाइन आ जाती है. सो ये इसलिए है. अभी जो नॉर्मल यूज़ पर मैं लगाती हूँ तब मैं ये सेटाफिल वाला यूज़ करती हूँ. ये भी अच्छा खासा ग्लो देता है फेस पर, बट हाँ ये बहुत तगड़ा ग्लो देता है. इसके बाद भयंकर लेवल में अपने बालों को स्टाइल भी कर रही थी तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही थी एक तो ये बी ब्रांड का हॉट शॉट डेंस मॉइस्चर सेरम, ये मैं लगा रही थी और साथ में मैं ये लगा करके अपने बालों को स्टाइल कर रही थी. अमेजिंग प्रोडक्ट है. उसके बाद मैं फाउंडेशन तो यूज़ कर रही थी मैक का, बट मैं उसमें दो ड्रॉप्स जो है वो ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन भी अप्लाई करी थी बिकॉज ये थोड़ा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को एंड ये बड़ा ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है. ऐसे ही पानी कम पीते हो विंटर्स में. सो इसको मैं इसके साथ मिला रही थी. अमेजिंग अमेजिंग है. मेरा जो शेड है इसमें 3 और 5 को मैं मिक्स करती हूँ. एंड दिस इज द अर्थ का कॉफी न्यू पंचिंग टिंट. इसका नाम है कॉफी न्यू, जो मैं अपने चीक्स पे लगाती हूँ एज अ ब्लश की तरह एंड समटाइम्स लिप्स पे भी लगाती हूँ एज अ लिप टिंट की तरह. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आते हैं सबसे ज्यादा आस्क क्वेश्चन पे जो कि था लिपस्टिक के ऊपर. तो ये
ये तीन लिपस्टिक्स हैं जो मैंने यूज करी हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि आपने इस साड़ी पे कौन सा लगाया, इस लहंगे पे कौन सा लगाया है। तो लेट मी शो यू, ये मामा अर्थ की लिपस्टिक है, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग, इवन मेरी मम्मी भी यही लगा रही थी, बिकॉज आप एक बार लगा लो फिर आपको लिपस्टिक रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इट्स दैट ग्रेट। सो ये है 07 और रेसबेरी स्कारलेट, रेड जो कलर होता है ना, प्यारा सा रेड कलर होता है, टमाटर रेड जो होता है वो वाला है ये कलर, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा जो कलर है वो है 02 प्लम पंच, ओके, ये मेरी मम्मी लगा रही थी, और ये रेड जो चटक वाला है ये एग्जैक्टली मैं यूज़ कर रही थी। उसके बाद जो पिंक शेड जब मैं लगा रही थी ना, हाइड्रा मैट ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक क्रेयॉन, इसमें शेड है 01 लीची पिंक, ये हाइड्रा मैट है, और ये वाली जो है ये है मॉइस्चर मैट। मैं लिंक्स दे दूंगी सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा एंड डेफिनेटली आंख बंद करके इनको मंगवा के रखो। स्पेशली जो मॉइस्चर मैट है, दिस इज माय फेवरेट। मैं मैक वैक कुछ नहीं लगा के ये लगाती हूँ, इट्स दैट ग्रेट, सबसे बेस्ट है, आपकी लिप्स को हार्म नहीं करती। उसके बाद फाउंडेशन लगाने के लिए आई वॉज यूजिंग दिस ब्रश, कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, जो भी लगाना हो फेस पे उसके लिए आई वॉज यूजिंग दिस ब्रश। मैं परफ्यूम यूज करी थी वो है ये वनीला वाइब्स, प्लम का बॉडी लविंग वनीला वाइब्स। एवरीवन यूज टू आस्क मी कौन सा परफ्यूम लगा करके आई, इट्स दैट ग्रेट, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। जो आपने देखा होगा मैं लहंगे पे साड़ी पे सब पे ना एक पोटली कैरी करती हूं, वैसे मेरे पास 3 से 4 पोटली है, तो जो मेरी मेजर मेन वाली पोटली है जो मैं टीनू की शादी में यूज कर रही थी वो मेरी मुंबई में ही रह गई है। ये पोटली है जो मैंने मंगवाई थी अमेजन से बहुत पहले, जब मैंने मंगवाई थी तब इसका रेट 499 था, अभी ये बहुत अच्छे डिस्काउंट पे 298 रुपीज में मिल रही है। आप इसका काम देख लो पहले तो पास से, काफ़ी हैवी सा काम है ये, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करा है मैं इसमें, अपना कैमरा दोनों मोबाइल सब कुछ रखती हूँ। सो अमेजिंग पोटली है, हर कलर में आती है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक ऐसा कलर ले लो जो सबके साथ जाए। तो मेरे पास जितनी भी पोटलियाँ हैं वो सब गोल्डन कलर भी हैं, अलग अलग वेराइटी की हैं। सो दिस इज द पोटली, लिंक दे दूंगी, ये मैंने साड़ी सूट लहंगा सब सबके साथ, पोशाक सबके साथ मैं इसी को कैरी करती हूँ। फॉर द वीडियो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। अब जो संगीत का डांस है ब्राइड एंड ग्रूम का, जरूर देखना, बहुत अमेजिंग डांस किया था उन लोगों ने, बट हाँ वो मैं डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।